आइए बात करें एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी अपडेट के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इरिडुलम फार्मेसी में। तो अपन बात करते हैं, ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आई हुई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से रहने वाली है। इसके बारे में अपन पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो अपन जो है इसमें जो है तो इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जैसे ही अपन इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाएगा क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं। जैसे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आई हुई है। यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, यंग लोगों के लिए जो है वैकेंसी रहने वाली है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है बीएससी इन फिजिक्स एंड बैचलर ऑफ डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी जो है जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जॉब प्रोफाइल जो रहने वाली है वो रहने वाली हुई है प्रोजेक्ट फाइल को जो है डॉक्यूमेंटेशन को आपको जो है तो कलेक्ट करके जो उसका पूरे डॉक्यूमेंटेशन को जो है तो बना मैनेज करके रखना, ये सारी चीज़ें कि आपको यहाँ पे जॉब रहने वाली है, ठीक है। डाटाबेस वगैरह मैनेजमेंट करना है। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे कि क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। यहाँ पे अपन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो मांगा गया 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बैचलर डिग्री इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट फील्ड में। जैसे कि अपन कोई भी काम करते हैं तो उसमें डाटा बेस होता है, उसका जो भी डाटा होता है उसको अपन को जो है कलेक्ट करके उसको एक फील्ड में जो काम करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। फिर अपन बात करेंगे इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है तो नॉट मोर देन 14 ईयर जो है तो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।